अगर आप गुलशन जैसे बिल्डर को ट्रैक करते करते थक चुके थे और आप इस डेवलपर का कोई ना कोई प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड फॉलो मी। आधे जाएंगे राइट, आधे जाएंगे लेफ्ट और बाकी मेरे पीछे आएंगे। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक ऐसे चैनल पर जो रियल एस्टेट की दुनिया में कुछ नया करते रहने की चाहत रखता है, द नेक्स्ट स्टोरी। मैं हूँ उस चाहत को एम्पलीफाई करते रहने वाली क्रिएटर दीक्षा सिंह सिसोदिया। आज जो मैं प्रोजेक्ट रिव्यू करने वाली हूँ वो एक रिव्यू ही नहीं बल्कि आप सबके लिए एक न्यूज़ भी है। जितनी जल्दी आप सबको इसके बारे में पता चले शायद आपके लिए वो उतना ही अच्छा हो। गुलशन का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, दिल्ली NCR में नहीं, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली में नहीं बल्कि मुरादाबाद में। जी हाँ, जहाँ की बिरयानी हम सबको बहुत पसंद है, उस जगह पर गुलशन अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है। अब देखिए, गुलशन का नाम जब भी आता है, चाहे वो कमर्शियल में हो या फिर रेजिडेंशियल में, दैट नेम जस्ट स्क्रीम्स अल्ट्रा लग्जरी। आप इनके कोई भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे आपको हमेशा लग्जरी वाली वो फील्स आ ही जाएंगी। तो अब अगर गुलशन मुरादाबाद जैसे शहर में एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं तो क्या वो अफोर्डेबल और मिड रेंज हाउसिंग में जाएंगे? क्या उनकी जो कैटेगरी होगी वो 2 BHK की होगी, 3 BHK की होगी या 4 BHK की होगी? तो आइए देखते हैं, इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं हम। सो लेट्स डिग इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस न्यू प्रोजेक्ट एट मुरादाबाद। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब ये है कि गुलशन का ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अल्ट्रा ऊबर लग्जरी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, उनमें से सबसे पहला फैक्टर है इनकी लो डेंसिटी। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 12.3 एकर्स के अंदर बन रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 90 यूनिट्स ही बन करके आने वाले हैं। 60% ओपन स्काई एरिया रखने का यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है। अब देखिए, ये तो प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात हो जाएंगी, बट उससे पहले आ जाते हैं हम लोकेशन के ऊपर। चलिए देखते हैं ये लोकेशन कौन सी एग्जैक्टली गुलशन ने सेलेक्ट की है अपने इस अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए। सो आप कह सकते हैं न्यू मुरादाबाद की लोकेशन है यहाँ पर, जिसके आसपास में, जिसके बहुत ही क्लोज विसिनिटी में दो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके आपको नाम स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 6 to 12 किलोमीटर्स की रेंज में अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 हॉस्पिटल्स भी मिल जाएंगे। और रेलवे स्टेशन के जो यहाँ से डिस्टेंस होगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, वो अप्रॉक्सीमेटली 9.6 किलोमीटर्स की होगी। यहाँ का मुरादाबाद न्यू एयरपोर्ट भी बन करके 10th मार्च को इनॉग्रेट हो चुका है। सो उस एयरपोर्ट तक भी पहुँचने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 30 to 40 मिनट्स ही लगने वाले इस लोकेशन से। अब चलिए इस प्रोजेक्ट की क्या क्या ऑफरिंग्स हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन इन अ लग्जरी प्रोजेक्ट, जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग इट, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली वॉट दिस प्रोजेक्ट विल हैव। चाहे वो अडल्ट पूल हो, किड्स पूल हो, सीनियर सिटीजन्स लाउंज हो, योगा मेडिटेशन सेंटर हो, ग्रीन एरिया हो, आपकी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हो, एवरीथिंग हैज़ बीन डिज़ाइंड अप टू द मार्क। आपको एंट्री गेट का जो डिज़ाइन रखा गया है वो भी आप देख सकते हैं कि वो कैसा, यू नो, एक आर्टिस्टिक इम्प्रेशन उसका कैसा डिज़ाइन किया गया है। दैट समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन सीन अर्लियर एट अ सिटी लाइक मुरादाबाद। अप्रॉक्सीमेटली 5,000 स्क्वायर फीट के ये विलाज, कॉन्डोमिनियम्स लॉन्च हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको हर टाइप की स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है। इनकी जो वॉर्म शेल स्पेसिफिकेशन है वो आप एनी डे किसी भी दिल्ली NCR या फिर ऐसे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो कि इन मेट्रो सिटीज़ में होता है उनसे कंपेयर करके देखेंगे, देन इट्स प्रिटी मच बीटिंग एवरीथिंग बाय, यू नो, अ ह्यूज मार्जिन। ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं, अब ये चाहे इटालियन मार्बल फ्लोरिंग की हो या फिर LED लाइट्स की हो, कंसील्ड लाइट्स की हो सीलिंग्स के साथ, चाहे वो ग्लास फसाड्स हो, वेस्ट क्रशर्स हो, हर तरीके की लग्जरी अमेनिटी यहाँ पर आपके लिए देने की कोशिश की गई है। बिजनेस सेंटर भी रखा गया है, पेट केयर के लिए भी एक प्रोविजन है सोसाइटी के अंदर, सैलून और स्पा के लिए भी सेंटर्स अलॉटेड हैं इस पूरी की पूरी प्रेमिसेज में। सो दैट इज़ समथिंग जिसको आप बहुत ही अच्छे से मेट्रो सिटीज़ की अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसे में बस एक ही सवाल आता है दिमाग में कि क्या ये सारी अल्ट्रा लग्जरी अमेनिटीज़ मुरादाबाद के लोगों के लिए हैं? क्या उन्हें भी ये पसंद आएंगे?
अब ऐसे में वी शुड जस्ट रन बैक टू द हिस्ट्री ऑफ मुरादाबाद एंड व्हाट काइंड ऑफ सिटी मुरादाबाद इज एक्चुअली. सो वेस्टर्न यूपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है मुरादाबाद का, जो कि पीतल शहर के नाम से भी जाना जाता है. पीतल शहर इसलिए क्योंकि वहाँ पर ब्रास वर्क्स का और मेटल का बहुत सारा काम होता है. काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली 30,000-40,000 फैक्ट्रीज़ वहाँ पर चल रही हैं आज की डेट में, और ये एक रफ फिगर है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं. और वहाँ की जो स्काई लाइन है इस वक्त आप देखेंगे कि वो प्राइवेटली ओन्ड घरों की स्काई लाइन है, वो मल्टी स्टोरी स्काई लाइन है ही नहीं मुरादाबाद के अंदर. तो वहाँ पर आपको 14 फ्लोर्स तक की हाइट वाले मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स नहीं दिखेंगे, आपको वहाँ पर लोगों की कोठियाँ दिखेंगी जो उन्होंने खुद बनाई है, ऐसे घर दिखेंगे. सो गुलशन ने यहाँ पर अपनी जो प्लेसमेंट करी है इन विलास के साथ, अपने इस प्रोजेक्ट के साथ, वो ऐसी ही करी है कि उन्होंने मुरादाबाद की स्काई लाइन को मैच किया है. दे अंडरस्टैंड कि वो अपने इस ऑफरिंग के साथ लोगों को एक घर ही देना चाहते हैं. अब यहाँ से हम इसकी प्राइसिंग पर ज़रा जंप करते हैं कि अब ज़रा स्काईलाइन की बात हो गई, प्रोजेक्ट अमेनिटीज की बात हो गई, प्राइसिंग यहाँ पर क्या लॉन्च कर रही है गुलशन इस वक्त. सो द प्राइस हियर फॉर दिस अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट इज 8 crore एज ऑफ नाउ. सो 8 crore में क्या क्या ऑफरिंग्स हैं, क्या क्या मिल रहा है आपको अदर देन ऑल द अदर सोसाइटी थिंग्स एंड एवरीथिंग, आपको घर में क्या क्या मिल रहा है. सो आपको घर आपका शुरू हो जाएगा बेसमेंट से. सबसे पहले आपको बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन मिल रही है, एंड देन आपका ग्राउंड फ्लोर आ जाता है. ग्राउंड फ्लोर आपको बना बनाया मिलेगा, एंड देन द फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद सेकेंड फ्लोर, और सेकेंड फ्लोर के ऊपर आपका टेरेस. तो ये आपको एक पूरा का पूरा घर बना बनाया एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी में, जिसके अंदर जो पूरी जेंट्री होगी वो पूरी 8 crore एंड प्लस की होगी. दैट्स समथिंग दैट गुलशन इज ऑफरिंग यू एट मुरादाबाद राइट नाउ. अब देखिए ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि जब जेंट्री की बात कर ही रहे हैं तो आसपास की क्या अच्छी लोकेलिटी मुरादाबाद की है जो कि इस एरिया को कंसिडर कर सकती है. देखिए दिल्ली से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो लगभग 167 किलोमीटर्स का है. लखनऊ से जो यहाँ का डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 344 किलोमीटर्स का है. सो मुरादाबाद एक सेंट्रल पॉइंट एक तरीके से आप कह सकते हैं इन दोनों एरियाज़ के बीच में हो सकता है, और बीच में भी काफ़ी अच्छे प्रोमिनेंट एरियाज आते हैं ऑफ कोर्स इन सभी, यू नो, आप चाहे देश का कैपिटल ले लीजिए या फिर यूपी का कैपिटल ले लीजिए, इन दोनों ही एरियाज के बीच में काफ़ी अच्छी प्रोमिनेंट जगह आती रहती है, और ये सभी जो पूरी की पूरी बेल्ट है वो लो राइज कंस्ट्रक्शन ही प्रेफर करती है. सो यहाँ पे गुलशन ने ऑफ कोर्स हाई राइज में ना जा करके लो राइज कंस्ट्रक्शन ऑफर की है, और एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी के साथ आपको अपना पूरा घर बनाने का एक प्रोपोजिशन दिया है. अब ये ऑप्शन सिर्फ मुरादाबाद के नेटिव्स के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी अपीलिंग हो जाता है जिनके फैक्ट्रीज, जिनके कुछ बिजनेसेस यहाँ पर ऑपरेशनल हैं, इन एरियाज में वो अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं. सो दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट एट मुरादाबाद बाय गुलशन. और अभी फ़िलहाल के लिए इतनी ही डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आपको अवेलेबल मिलेंगी. अगर आपको इसके, यू नो, टिपिकल फ्रंट एंड बैक पिक्चर्स, जो आर्टिस्टिक इम्प्रेशंस हैं वो आप देखना चाहते हैं, अगर आपको इसकी प्राइस लिस्ट ब्रेकडाउन के साथ चाहिए, और आपको इनके अदर स्पेसिफिकेशंस जाननी है, तो आप ऑफ कोर्स नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, एंड वील शेयर दैट विथ यू. अब आप नीचे कॉमेंट्स में हमें ये बता सकते हैं कि क्या आप ये घर कंसिडर करेंगे अपने लिए, और क्या जो भी आप मुरादाबाद के नेटिव्स को जानते हैं उनको आप ये रेकमेंड करेंगे या नहीं, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. अब मुरादाबाद का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाने वाला है. आपको क्या लगता है, इज लिविंग द जी लाइफ गोइंग टू बी द मोटो फॉर दीज 2-tier, 3-tier सिटीज़ इन इंडिया नाउ, एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. बस आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. आज की जो खबर थी वो यहाँ पर ख़त्म होती है. थैंक यू सो मच यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए. मेरा नाम है दीक्षा, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में जल्द ही एट द नेक्स्ट स्टोरी.